तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में। हिमालय का उत्तर से दक्षिण विन्यास, उत्तर से बाड़िया महोदय थे, बाड़िया महोदय ने हिमालय का उत्तर से दक्षिण विन्यास किया था, जिसमें हमने पूरी चीजों को डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, आप उसको एक बार से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण विन्यास हमने पढ़ लिया। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे हिमालय का पश्चिम से पूर्व विन्यास। पश्चिम से पूर्व विन्यास, हिमालय का विभाजन जो है पश्चिम से पूर्व करना है। तो एक पर्सन है जिनका नाम है सिडनी बुराड। क्या नाम है? सिडनी बुराड। सिडनी बुराड, सिडनी बुराड महोदय हिमालय के पश्चिम से पूर्व विन्यास की व्याख्या करते हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया। ठीक, तो सबसे पहले हिमालय के बारे में जो चर्चा हुई थी हमारी, हमने बताया था कि हिमालय की तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। अब ये तीनों श्रेणियां चापाकार बनती हैं, चापाकार श्रेणी। चापाकार का मतलब है कुछ इस आकार की। ये तीन श्रेणियां, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, है ना। अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये चापाकार श्रेणी ही क्यों बनी, है ना, इसके बारे में भी अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा था, यहां पर है बृहद हिमालय, दूसरा हमने देखा था लघु हिमालय, और तीसरी श्रेणी हमने देखी थी शिवालिक श्रेणी। तीसरी श्रेणी थी शिवालिक श्रेणी। ये तीन श्रेणियां हिमालय की हमने चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि यहां पर तिब्बत के एरिया से, तिब्बत के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। यहां पे एक ग्लेशियर है, चेमायुंगलू ग्लेशियर, और यहीं पर मानसरोवर झील है, एक और झील है राकस्ताल, दो झीलें हैं यहाँ पर। इन दोनों झीलों से दो नदियां निकलती हैं। मानसरोवर झील के पास से निकलती है आपकी सिंधु नदी, जो कि जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य होते हुए कश्मीर से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दूसरी हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर सतलज नदी निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सीपी किला गार्ज को बनाते हुए पंजाब में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। एक पहली नदी है सिंधु, दूसरी नदी है आपकी सतलज। सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है, इसका नाम है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक है, तो एक पर्सन है जिनका नाम है सिडनी बुराड। सिडनी बुराड, सिडनी बुराड ने हिमालय का पश्चिम से पूर्व विन्यास की व्याख्या की है। तो इस हिमालय का क्या नाम है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक, ये दो जो नदियों के बीच है, हाँ, नदियों के बीच का जो क्षेत्र है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं ना, इधर से इधर की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो रीजन है ये है आपका कश्मीर हिमालय, ये है आपकी सिंधु नदी, ये है आपकी सतलुज नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र। दूसरी एक नदी यहां से निकलती है नेपाल वाले रीजन से, उसका नाम है काली नदी। काली नदी, ठीक है, काली नदी घाघरा की सहायक है। एक नदी बहती है ना घाघरा, हम लोग बाद में भी देखेंगे जब गंगा की सहायक नदियां देखेंगे तो घाघरा का नाम आएगा। तो काली नदी और सतलुज के मध्य का हिमालय का नाम है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद काली नदी से एक यहां पे सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी
ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है अभी जाकर के, ठीक है। अभी ब्रह्मपुत्र के बारे में भी यहाँ पर मानसरोवर झील के पास से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में जाकर के ये मिल जाती है तीस्ता। यहां पर है आपकी काली रिवर, काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच के हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल वाला रीजन है तो यहां पर अवस्थित हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर यहां तक के रीजन को, यहां तक के क्षेत्र को हम असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय। तो पहला हिमालय आपका सिंधु से लेकर के सतलज तक कश्मीर हिमालय, सतलज से लेकर काली रिवर तक कुमाऊं हिमालय, काली रिवर से तीस्ता रिवर तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, यह हिमालय का पश्चिम से पूर्व विन्यास सिडनी गुराड ने इसको प्रतिपादित किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रही है ना चीजें, समझ में आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इस पे कुछ देखते हैं, हर एक हिमालय की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले कश्मीर हिमालय की चर्चा करते हैं। कश्मीर हिमालय पे एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है ना, वैष्णो देवी का मंदिर। कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू से 20 किलोमीटर दूर कटरा पड़ता है जगह, है ना। तो कटरा से ही जब आप यहाँ से जाते हैं तो कटरा से ही आपको जम्मू तक ट्रेन जाती है, ठीक है। अब वैसे रेलवे लाइन आगे बढ़ गई है लेकिन जम्मू से ट्रेन आपको, यहाँ से आप बस पकड़ते हैं कटरा के लिए और कटरा से ही आप चढ़ाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैष्णो देवी का मंदिर है यहाँ पर एक कश्मीर हिमालय में अवस्थित है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है अमरनाथ गुफा, ठीक है। तो अमरनाथ गुफा भी यहाँ पर आपकी अवस्थित है, कश्मीर हिमालय में ही है वो, ठीक है। ये कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय के बारे में कहें तो प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में इसको ही हम बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, है ना। यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य काफी अच्छा है। इसके बाद दूसरा है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में पर्यटक केंद्र बहुत सारे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का रीजन भी इसमें अवस्थित हो जाता है। हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश से जाती है, तो हिमाचल प्रदेश वाला कुछ हिमालयी क्षेत्र कुमाऊं हिमालय में आता है, कुछ क्षेत्र कश्मीर हिमालय में चला जाता है, ठीक है, जहां से वो डिवाइड हो जाती है नदी। तो यहाँ पर बहुत सारे मसूरी, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, भुग्याल पयाल, ये सब चीजें मैंने बताई है। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नेपाल हिमालय में ही अवस्थित है, ठीक है। क्रम आपको याद रखना चाहिए, क्रम मैंने बताया था, सबसे पहले इधर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, एवरेस्ट और मकालू, फिर कंचनजंगा। पश्चिम से पूरा क्रम याद होना चाहिए, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा शिखर के बाद धौलागिरी, मनसालू, मनसालू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मकालू, मकालू के बाद कंचनजंगा। पश्चिम से पूरा क्रम आता है इसलिए ये याद होना चाहिए, ठीक है। यहां पर है नामचा पर्वत, ये असम हिमालय का है। ब्रह्मपुत्र रिवर नामचा पर्वत से ही टर्न कर जाती है, वैसे नामचा पर्वत तिब्बत में अवस्थित है, ठीक है। असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय पे यहां पर तीस्ता नदी के पास ही एक घाटी है जिसका नाम है चुंबी घाटी, है ना। चुंबी घाटी वैसे चाइना में अवस्थित है, ठीक है, सिक्किम के पास ही चुंबी घाटी चाइना का भूभाग है, चाइना के क्षेत्र में आती है। यहीं पर भूटान, भूटान के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध मॉनेस्ट्री है तवांग। तवांग एक रीजन है जिसपे विवाद है, चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है तवांग पे, ठीक है। तो एक बौद्धिस्ट केंद्र है यहाँ पर तवांग, चीन इसे अपनी टेरिटरी बताता है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सिडनी बुरार्ड द्वारा हिमालय का नदियों के आधार पर पश्चिम से पूरब विन्यास था। कोई प्रॉब्लम इसको लेकर के, किसी भी तरीके की कोई समस्या? हमेशा याद रखना है, इस महोदय का नाम पूछा जाता है कि नदियों के आधार पर हिमालय का पश्चिम से पूरब विन्यास किसने किया? सिडनी बुरार्ड ने। और कौन कौन सी नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो इतना यदि आप याद रखेंगे तो आपकी सारी चीजें यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है।